हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रणधीर शर्मा के पक्ष में वोट की अपील करने बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का चौपर गोविंद सागर झील के किनारे बने लुहनू मैदान में उतरा, जहाँ एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। लुहनू मैदान में पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद चौपर लैंडिंग के दौरान एक कुत्ता भागते हुए चौपर के पास जा पहुंचा, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इसके बाद अनुराग ठाकुर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुई सुराहड़ पंजैत खुर्द देउत पहुंचे, जहां उन्होंने रणधीर शर्मा के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पत्रकारों से भी रूबरू हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में शानदार काम प्रदेश और देश में किया है और डबल इंजन की सरकार के काम को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उपलब्धियां ढेरों हैं। प्रयास ये है कि हर पोलिंग बूथ पर हर मतदाता तक हम पहुंचे भी और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित भी करें। अगर मैं बिलासपुर का ही उदाहरण दूँ, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये साथ लगता एथलेटिक ट्रैक हो या ऊपर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में हो या फिर 1470 करोड़ रुपये का एम्स अस्पताल हो या ये सामने आपको दिख रहा 4 लेन आता हो या रेलवे की ट्रेन की पटरी जो बिछाने का काम हो, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसमें से कुछ भी नहीं था। कांग्रेस ने रुकवाने का काम किया, भाजपा ने बनाने का काम किया। हम जनता के बीच में लेके जाएंगे कि विरोध करने वालों के साथ जाओगे या विकास करने वालों के साथ। निश्चित तौर पर जनता विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको उस पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर मतदाता जो है वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि राष्ट्रीय दल के साथ और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो विकास सुनिश्चित होगा और ये हमने 5 वर्षों में करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। सर, जितने बागी हैं उनको भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मतभेद उनके बीच में होंगे, क्योंकि देखिए टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, कार्यकर्ता तो हज़ारों एक एक विधानसभा क्षेत्र में है, इसलिए हमारा भी हर संभव प्रयास है कि हम सबको मनाएं भी, बिठाएं भी और पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ें। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के नेता भी हर विधानसभा क्षेत्र से आगाज़ करेंगे कैंपेन का और इससे शुरुआत जो होगी इससे पूरे प्रदेश भर में एक वातावरण फिर वापस खड़ा होगा जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, एक रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब फिर इसको ताकत देकर हम ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। खेल मंत्री भी हैं और कर्नाटक से एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में जो है सट्टेबाजी की बातें सामने आई हैं, इस पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी? क्योंकि लगातार कानून अपना काम करेगा, जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई की जाए।